गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेस्टिंग के बारे में समझाया था, ठीक है। टेस्टिंग दैट इज थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास वे फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ठीक है। और मैंने आपको टेस्टिंग के बारे में समझाया था कि किस तरीके से जो फूड आइटम हम ऑब्टेन करते हैं वो हमारे सलाइवा में मिक्स होता है, हमारे टंग के कुछ अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में हमें अलग अलग डिफरेंट टेस्ट किस तरीके से मिलता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पार्ट टू सेशन दैट इज डाइजेस्टिंग, यानी जो डाइजेशन प्रोसीजर कैसा होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट इज डाइजेस्टिंग, डाइजेस्टिंग होता क्या है, व्हाट इज डाइजेस्टिंग। तो डाइजेस्टिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, टू टेक चेंज द फूड इन योर स्टमक सो दैट इट कैन बी यूज बाय द बॉडी, यानि जो फूड हम खा रहे हैं वो पेट में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद जब वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, और हमारी बॉडी उसे यूज़ करती है, कैसे यूज़ करती है, वो हमें एनर्जी देती है, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो जिस तरीके से वो फूड हमारे स्टमक में जाकर फूड पाइप के थ्रू, और जिस तरह हमें आ रहा वो फूड जब हमारी बॉडी में मिक्स होता है, दैट इज डाइजेशन, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले एक एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए कि जिस तरीके से हम जब फूड को खाते हैं, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं, तो सबसे पहले जो फूड होता है ना वो हमारे फूड पाइप में जाता है, ठीक है। दिस इज स्टूडेंट फूड पाइप, ठीक है, ये है फूड पाइप, ठीक है। सबसे पहले जब हमारा जो फूड आइटम है सलाइवा में मिक्स होता है, वहीं से ही स्टूडेंट्स हमारा जो प्रोसीजर होता है डाइजेशन का वो स्टार्ट हो जाता है, और सबसे पहले वो एंटर होता है हमारी फूड पाइप में, ठीक है। देन वो एंटर होता है हमारे स्टमक में, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टमक में एंटर होने के बाद खाना फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टूडेंट्स वो पूरा जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो दोबारा उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खाना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, ओके, जो ये है स्टूडेंट्स, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो किस तरीके से जो फूड है वो हमारे फूड पाइप से होकर देन हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक से फिर धीरे धीरे यहाँ इस देखो यहाँ से एंटर होता है, ठीक है, देन एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ से होकर वापस से स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचकर खाना हमारे एनस के थ्रू वो एक्सक्रिएशन होता है, ठीक है, जो बॉडी वेस्ट है वो एक्सक्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द डाइजेसिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। एंड सो हम अब देखते हैं कि किस तरीके से हम उस फूड को किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि फूड पाइप से, बट फूड पाइप तक पहुंचने से पहले हम उसे किस तरीके से बाय माउथ किस तरीके से हम उसे डाइजेशन स्टार्टिंग कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। सो फर्स्ट इज फूड एंटर्स अवर माउथ, सबसे पहले क्या होता है जो हमारे माउथ के अंदर फूड एंटर करता है, फिर क्या होता है, टीथ हेल्प्स च्यू द फूड, ठीक है। जो दांत होते हैं ह्यूमन बॉडी के और ह्यूमंस के, टीथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं हमारे जो फूड को च्यू करने के लिए, ठीक है। और जब वो खाना हमारे सलाइवा में मिक्स होता है, ठीक है, और सलाइवा क्या करता है हमारे खाने को तो सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। जब हम उसे च्यू करते हैं और हमारे जब वो खाना सलाइवा में मिक्स होता है तब वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रोसेस होती है, नेक्स्ट होता है टंग हेल्प्स अस इन फोर वेज। अब हमने देख लिया कि फूड जो फूड है माउथ में हमारे टंग हेल्प करता है, और सलाइवा मिक्स होने के बाद वो खाना हमारा सॉफ्ट हो जाता है। फिर जो टंग है, ठीक है, टंग क्या हेल्प करती है, ठीक है, टंग जो है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में चार तरीकों से हेल्प करती है स्टूडेंट्स, इन फोर वेज। टंग हेल्प्स द फूड टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट फॉर प्रॉपर
चूइंग, ठीक है, जो टंग है, ठीक है, जब हम माउथ में कुछ फूड खाते हैं, ठीक है, तो वह टंग ही हेल्प, टंग ही ऐसा एक पार्ट है जो हेल्प करता है हमारे यू नो फूड को लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट मूव करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो खाना हमारे पूरे माउथ में वो घूमता है जस्ट बिकॉज ऑफ टंग. टंग हेल्प्स टू मिक्स द सलाइवा विद द फूड, और टंग के ही वजह से ही जो फूड होता है वो हमारे सलाइवा में मिक्स होता है. ठीक है, टंग जिस तरीके से जब हमारे खाने को रोटेट करती है हमारे यू नो माउथ में, तो पूरा सलाइवा में वो पूरा खाना जो है वो मिक्स हो जाता है प्रॉपरली. और टंग क्या करती है, नेक्स्ट पुशेस बैक द फूड फॉर स्वॉलोइंग, यानी कि निगलने के लिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग मीन्स होता है निगलना. ठीक है, उस खाने को हमारे फूड पाइप तक पहुंचाने के लिए टंग पुश करता है उस फूड को. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू टेस्ट द फूड. और फाइनली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो टंग होती है वो अलग अलग टाइप्स में हमें टेस्ट को पहचानने में आसानी देती है, और जो टंग है हेल्प टू टेस्ट द फूड, और उस फूड को टेस्ट करने के लिए भी हेल्प होता है. ठीक है, सो दिस आर सम, सिर्फ हमारे जो माउथ के अंदर का क्या प्रोसीजर होता है. ठीक है, हम माउथ में ही हमारे टीथ किस तरह हेल्प करते हैं यू नो, और टंग किस तरह हेल्प करती है सलाइवा में अपने यू नो उस फूड को मिक्स करने के लिए. ठीक है, सो नेक्स्ट इज च्यू इट और च्यू इट वेल. ठीक है, अब हम चबाते भी हैं खाने को, च्यू करते हैं, और अच्छी तरह च्यू करने में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके लिए एक एक्टिविटी है. ठीक है, अगर आप घर पे करोगे तो इट वुड बी मच बेटर, ट्राई कीजिएगा कि अगर आप कुछ भी, ठीक है, घर में कोई फूड आइटम जैसे कि रोटी होता है, ब्रेड या फिर ब्रेड रोटी या फिर कुक्ड राइस जो होते हैं, चावल जो होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आप घर पर रोटी या फिर कुक्ड राइस या ब्रेड कुछ भी एक काम कीजिएगा, आप ना उसको पहले थोड़ा सा चबाइए. ठीक है, और फिर और 2 से 3 मिनट उसे और ज़्यादा च्यू कीजिए. ठीक है, क्या आपको उसमें टेस्ट में, उस फूड आइटम के टेस्ट में कुछ डिफरेंस लगेगा? तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ स्टूडेंट्स, कि आपको उस 2 से 3 मिनट के च्यू करने में कोई डिफरेंट ज़्यादा टेस्ट नहीं लगेगा उस फूड आइटम से, क्योंकि हम नॉर्मली इतना ही उसे च्यू करते ही हैं. 2 से 3 मिनट अगर आप च्यू करते हो उस फूड आइटम को, तो आपका वो जो फूड आइटम है सेम ही टेस्ट देगा. ठीक है, ये आपकी पहली एक्टिविटी हुई. एक और एक्टिविटी अगर आप करोगे, ठीक है, सेम वही आप रोटी ब्रेड या फिर यू नो कुक्ड राइस लीजिए, और उसे इस बार 30 to 32 minutes, ठीक है, 30 से 32 seconds तक. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप 30 से 32 seconds तक अगर आप उसे च्यू करते हो ना बार बार टाइम, 30 से 32 times अगर आप च्यू करते हो, तो माइट बी आंसर, अगर मैं आपसे कहूँ कि यस, उसका जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, 2 से 3 times में चेंज नहीं होता है, बट अगर आप उसे 32 times अगर टेस्ट करते हो, च्यू करते हो, ठीक है, तो टेस्ट ज़रूर चेंज होता है. और आपको पता है कैसा टेस्ट हो जाएगा उसका स्टूडेंट्स, वो हो जाता है थोड़ा सा स्वीट. ठीक है, क्योंकि जो खाना होता है वो हमारे सलाइवा में काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो जाता है, उसके कारण वो जो खाना है, वो फूड जो है, फूड आइटम जो है, वो स्वीट टेस्ट देने लग जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये कुछ डाइजेशन के बारे में था. अब एक और बात है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें खाने की जिस तरह ज़रूरत होती है, ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी को, तो उसी तरीके से हम पानी को यू नो वाटर को भी हमें उतना ही रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, अब अगर आप नोटिस करोगे कि अगर हम ज़्यादा देर पानी नहीं पीते हैं, आज एक दिन पानी नहीं पीते हैं, 2 दिन पानी नहीं पिया, तो हमारे बॉडी के अंदर पानी के साथ साथ यू नो सॉल्ट का भी और शुगर का भी यू नो कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है. इसी वजह से हमें क्या डॉक्टर सलाह देते हैं, या तो फिर हमें ग्लूकोज ड्रिप लगती है, या फिर हमें क्या होता है जो हम नॉर्मली घर में भी हम प्रोवाइड करते हैं, होता ही है, ग्लूकोज के जो पाउडर्स आते हैं हम उसे हैव करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब इसी कारण होता है कि अगर हमारा जो प्रॉपरली हम फूड नहीं खाते हैं, या फिर हम प्रॉपरली वाटर नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारे जो बॉडी होती है वो वीक हो जाती है. अगर आप कंटिन्यूसली यू नो वोमिटिंग कर रहे हो, यू नो और मोशंस जा रहे हो,
तो आपको ये हो जाता है कि पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, नमक की कमी हो जाती है, शक्कर की कमी आ जाती है, तो इस वजह से आपको ड्रिप्स लगती हैं। ठीक है, तो इसी में एक स्टोरी भी है स्टूडेंट्स के, एक लड़की होती है नीतू, ठीक है, और उस वो काफ़ी देर तक, यू नो, 2 दिन हो जाते हैं, वोमिटिंग बहुत हो जाती है उसकी और मोशंस भी उसे बहुत होते हैं, तो इस कारण काफ़ी वीक हो जाती है। और उसके जो फादर होते हैं उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने के बाद उसे डॉक्टर जब उसे चेकअप करते हैं तो कहते हैं कि इसे एडमिट करना होगा क्योंकि इसकी बॉडी में, यू नो, उसे ड्रिप लगेगी, ग्लूकोज ड्रिप हमें लगानी होगी। तो वो नीतू सोचती है कि अरे क्यों ड्रिप लगेगी, मुझे तो पानी की कमी, जब मैं स्कूल में खेलती थी स्पोर्ट्स के वक्त तो टीचर हमें ग्लूकोज पाउडर हमें पानी में मिक्स करके पिला देती थी एंड हम नॉर्मल फील करते थे। तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि तब जो होता है हमारा एक लेवल कम हो जाता है हमारा, उस वक्त जब तुम थोड़े ही थकते थे लेकिन अब तुम कंटिन्यूसली मोशंस जा रहे हो हमारे, तुम वोमिटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो डिफरेंस होता है थोड़ा सा उसके उस लेवल पर। जब तुम एक सिर्फ खेलने कूदने पर ही तुम्हारा एक लेवल था, ठीक है, जब तुम्हें जो तुम्हारी बॉडी है उतना तुम्हारे अंदर लेवल कम नहीं हुआ था पानी का, बट अब बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंटिन्यूसली मोशंस वोमिटिंग हो रही है। तो फाइनली वो ये सोचती है कि हाँ डिफरेंस होता है ये, क्योंकि हम कभी ग्लूकोज पाउडर को यूज़ करते हैं, कभी ड्रिप हमें लगती है, तो ये रिक्वायरमेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो डाइजेशन इज जब हम नहीं खा पाते हैं प्रॉपरली, यू नो, किस चीज़ों को, तो हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो जाता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, सो डाइजेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉपरली जब हम फूड अच्छी चीज़ें खाते हैं, विटामिन्स वाली, मिनरल्स वाली, तो ओके स्टूडेंट्स, सो ये था डाइजेशन के बारे में एंड फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 3 इज कम्प्लीटेड, और आपको इसके नोट्स आपको मिल ही रहे हैं वर्कशीट में, होमवर्क में। सो स्टूडेंट्स, कुछ डिफिकल्टी हो तो मैंशन कीजिएगा ग्रुप में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।